बहुत पहले से ही भारत में हजारों लोग भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं, और वैसे भी जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वहां जाकर आपको डर लगने ही लगता है, जैसे कि कोई पीछे से आवाज दे रहा हो या अचानक आपके कान के पीछे से हवा निकल गई हो। हम लोग बचपन से ही इन जगहों के बारे में काफी कुछ डरावनी कहानियां सुनते आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही 7 जगहों के बारे में बताऊंगा जो भारत सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं, और इनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे, जहां जाकर निश्चित ही आपका दिल दहल जाएगा। जीपी ब्लॉक मेरठ, उत्तर प्रदेश। यूपी के मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की बेहद डरावनी जगहों में से एक है। माल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। ये बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। यह कभी इलाके की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये बंगला डर और खौफ का नाम बन चुका है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। बंगले के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया है। ब्रजराज भवन, कोटा, राजस्थान। ब्रजराज भवन पैलेस। इस भवन की उम्र लगभग 178 साल है। सन 1980 में इस भवन को एक ऐतिहासिक होटल घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि इस होटल में मेजर बर्टन नाम का एक भूत रहता है, जो ब्रिटिश शासन काल में कोटा में सेवारत था, और सन 1857 के विद्रोह के दौरान उसे भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। भारतीय सिपाहियों ने इस विद्रोह के दौरान मेजर के साथ उसके 2 बेटों को भी इसी बंगले में सेंट्रल हॉल में मार दिया था। कोटा की पूर्व महारानी का कहना है कि उन्होंने सन 1980 में मेजर को उसी हॉल में देखा था जहां उन्हें मार दिया गया था। अग्रसेन की बावड़ी, दिल्ली। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का संरक्षण प्राप्त है। किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता है। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। ASI के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। संजय वन, दिल्ली। साउथ दिल्ली के बीचों बीच बसे इस लगभग 10 किलोमीटर के जंगल में भरपूर हरियाली है। ये वन भूतों के लिए कुख्यात है, क्योंकि इसके भीतर कई सूफी संतों की दरगाह है। यहाँ कई लोगों का कहना है कि उन्होंने बच्चों के रोने की आवाजें सुनी हैं। साउथ दिल्ली हालांकि दिल्ली के पास के इलाकों में गिना जाता है, और आधुनिक जीवन शैली के लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, पर साउथ दिल्ली के बीच लगभग 10 किलोमीटर का यह जंगल इस बात को झूठा साबित कर देता है। असल में यह वन भूतिया कहलाता है। यहाँ कई प्रकार की दरगाह और छोटे मोटे कब्रिस्तान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कभी कभी छोटे बच्चों या औरतों के रोने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ उन्होंने भूतों और चुड़ैलों को देखने के अलावा कई बार बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें सुनी हैं। डुमास बीच,
सूरत। गुजरात के सूरत में स्थित डुमास बीच किसी जमाने में हिंदुओं की अंतिम संस्कार की जगह हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो मोह और अत्यधिक लगाव की वजह से दुनिया को छोड़कर जा नहीं पाती। डुमास बीच पर ऐसी ही आत्माएं अपना डेरा जमाए रखती हैं। वहां जितने भी लोग आज तक गए हैं सभी का यही कहना है कि वहां कुछ बहुत अजीब है, ऐसा जो दिखाई नहीं देता सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डुमास बीच पर जाने के बाद आपको घुटन होने लगेगी। हर समय यह महसूस होता है कि कोई आपके आसपास है, आपके साथ चल रहा है। बहुत से पर्यटकों का तो यह कहना है कि वो जब डुमास बीच पर गए तो किसी ने उनके कान में आगे ना जाने की बात कही। उन्हें चेतावनी दी गई कि वे आगे ना जाएं और जहां से आए हैं वहां वापस चले जाएं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय इस बीच पर जाना पूरी तरह मना है, क्योंकि जितने भी लोग रात के समय यहां गए हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। भानगढ़ का किला, अलवर, राजस्थान। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। इस बारे में रोचक कहानी है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू में महारथ तांत्रिक सिंधु सेवडा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके एक महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है, और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। सरकार ने पर्यटकों को यहां अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाचा के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार दिया। वह अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी कराहने की आवाजें सुनी हैं। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। लोगों का कहना है कि चांदनी रात में उन्हें नारायण की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। काकामला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाइए, इस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।